तो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का कनाडा कनेक्शन अब और साफ होता जा रहा है। अब तक की छानबीन में जहां पुलिस ने साजिश में शामिल शाहरुख नाम के एक सुपारी किलर को पकड़ा, वहीं उसे यह भी पता चला है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने इसके लिए कनाडा में अपने साथी गोल्डी बरार से वर्चुअल टेलीफोन और सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत की थी। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की साजिश तिहाड़ में रची गई। सुपारी कनाडा से निकली और कत्ल पंजाब में हुआ। पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को लेकर अब तक की तफ्तीश में जो कहानी निकलकर सामने आई है वो कुछ ऐसी ही है। इस कत्ल के तार दिल्ली के तिहाड़ जेल से लेकर कनाडा में बैठे नामी गैंगस्टर गोल्डी बरार तक से जुड़ रहे हैं और पंजाब पुलिस की एसआईटी भी फिलहाल इसी एंगल पर काम कर रही है। अब तक की छानबीन के बाद पुलिस ने शाहरुख नाम के एक बदमाश को पकड़ा है जिसने इस कत्ल की सुपारी तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस विश्नोई और कनाडा में छुपे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से दिए जाने की बात कही है। पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में तिहाड़ में बंद लॉरेंस विश्नोई और एक दूसरे गैंगस्टर काला जठेड़ी से भी पूछताछ की है। इस बीच तफ्तीश में पता चला है कि जेल में बैठे ये बदमाश वर्चुअल टेलीफोन के जरिए कनाडा में अपने साथी गोल्डी बरार से बात करते थे। इसके अलावा शाहरुख ने भी सिग्नल ऐप के जरिए कनाडा में गोल्डी बरार से संपर्क साधने की बात मानी है। असल में सिग्नल ऐप के जरिए होने वाली बातचीत को एजेंसियों के लिए आसानी से इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल होता है और बदमाश इसी का फायदा उठाते हैं। सूत्रों की माने तो सिद्धू मूसेवाला को पहले भी एक बार मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन उनके घर के आसपास पुलिस की सिक्योरिटी देखकर सुपारी किलर्स वापस लौट गए थे, लेकिन बाद में आखिरकार उन्होंने अपने इरादे को अंजाम दे डाला। इत्तेफाक से एक रोज पहले ही सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी में कटौती की थी और दूसरे दिन ये वारदात हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार सुपारी किलर शाहरुख ने अब तक इस कत्ल में शामिल 10 लोगों के नाम बताए हैं, जिनमें पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के मैनेजर सचिन का नाम भी शामिल है। बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के मनकीरत औलख से अच्छे रिश्ते नहीं थे। ऐसे में औलख के मैनेजर सचिन का नाम इस मामले में सामने आने के बाद अब एक नया एंगल इस केस से जुड़ गया और वो है प्रोफेशनल राइवलरी का। अब तक जो 10 नाम इस मामले में सामने आए हैं उनमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस विश्नोई के अलावा सचिन, जग्गू भगवानपुरिया, अमित काजला, सोनू काजल, बिट्टू, सतेंद्र काला, अजय गिल और शाहरुख शामिल हैं। वैसे आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में शाहरुख को जरूर शामिल बताया है, लेकिन यह भी सच है कि उसे इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने एक दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद ओझा के साथ तनसीम हैदर, मानसा, पंजाब, आज तक।